दोस्तों, दुनिया की किसी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में वेल डिफाइंड हायरार्की मौजूद होती है और ये हायरार्की रैंक्स के थ्रू डिफाइंड की जाती है। अगर आप भी फ्यूचर में इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का सपना रखते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सभी रैंक्स को देखेंगे और साथ ही उन्हें कंपेयर भी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इंडियन डिफेंस फोर्सेस में मौजूद सभी रैंक्स को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज कमीशन रैंक्स, जूनियर कमीशन रैंक्स एंड अदर रैंक्स या नॉन कमीशन रैंक्स। तो स्टार्ट करते हैं कमीशन रैंक से। रिस्पेक्टिव सर्विस की ट्रेनिंग अकेडमी से सक्सेसफुली पास आउट होने पर कैडेट्स को कमीशन दिया जाता है इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी और इन द रैंक ऑफ फ्लाइंग ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। रिस्पेक्टिव सर्विस में किसी भी कमीशन ऑफिसर को दी जाने वाली ये फर्स्ट रैंक है। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो लेफ्टिनेंट रैंक का इंसिग्निया है 2 स्टार्स ऑन द शोल्डर। सब लेफ्टिनेंट रैंक पर एक गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ एक लूप मौजूद होता है, वही फ्लाइंग ऑफिसर रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट एंड फ्लाइंग ऑफिसर के बाद जो रैंक आती है वो है कैप्टन इन इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो कैप्टन रैंक का इंसिग्निया है 3 स्टार्स ऑन द शोल्डर। लेफ्टिनेंट रैंक में इक्वल साइज की 2 गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ एक लूप मौजूद होता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रैंक में भी 2 इक्वल ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। रिस्पेक्टिव सर्विस में इसके बाद जो रैंक्स आती है वो है मेजर, लेफ्टिनेंट कमांडर एंड स्क्वाड्रन लीडर। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो मेजर रैंक में बस एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह या राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक में टोटल 3 गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ एक लूप मौजूद होता है, पर मिडल गोल्डन स्ट्रिप की थिकनेस बाकी दोनों स्ट्रिप के कंपैरिजन में कम होती है। स्क्वाड्रन लीडर में भी टोटल 3 ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है, मिडल स्ट्रिप की थिकनेस बाकी दोनों स्ट्रिप के कंपैरिजन में कम होती है। इसके बाद जो रैंक आती है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल, कमांडर एंड विंग कमांडर। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ एक स्टार भी मौजूद होता है। कमांडर रैंक में इक्वल साइज की 3 गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ एक लूप मौजूद होता है। विंग कमांडर रैंक में भी 3 इक्वल ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। हायरार्की को फॉलो करते हुए रिस्पेक्टिव सर्विस में जो नेक्स्ट रैंक्स आती है वो है कर्नल इन इंडियन आर्मी, कैप्टन इन इंडियन नेवी एंड ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो कर्नल रैंक में एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ 2 स्टार भी मौजूद होते हैं। कैप्टन रैंक में इक्वल साइज की 4 गोल्डन कलर की स्ट्रिप के साथ एक लूप मौजूद होता है और ग्रुप कैप्टन रैंक में भी 4 इक्वल ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। नेक्स्ट रैंक्स है ब्रिगेडियर, कॉमोडो एंड एयर कॉमोडो। ये 1 स्टार रैंक्स है और अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो ब्रिगेडियर रैंक में एक राष्ट्रीय चिन्ह के साथ ही 3 स्टार ट्रायंगुलर अलाइनमेंट में मौजूद होते हैं। कॉमोडोर रैंक में एक मोटी गोल्डन कलर की स्ट्रिप होती है और सिमिलरली ए कॉमोडोर रैंक में भी एक मोटी ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। अब बात करते हैं 2 स्टार रैंक्स की, जो है मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, रियर एडमिरल इन इंडियन नेवी एंड वाइस मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो मेजर जनरल रैंक में क्रॉस बैटन एंड सेबर पर 1 स्टार मौजूद होता है। रियर एडमिरल रैंक में क्रॉस बैटन एंड सेबर के साथ ही एक राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है। वही एयर वाइस मार्शल रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की 2 स्ट्रिप मौजूद होती है, जिसमें नीचे वाली स्ट्रिप की थिकनेस ऊपर वाली स्ट्रिप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसके बाद आता है 3 स्टार रैंक, जो है लेफ्टिनेंट जनरल इन इंडियन आर्मी, वाइस एडमिरल इन इंडियन नेवी और एयर मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में क्रॉस बैटन एंड सेबर के साथ ही एक राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है। वाइस एडमिरल रैंक में ट्रायंगुलर अलाइनमेंट में 3 स्टार्स, क्रॉस बैटन एंड सेबर के साथ ही एक राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है। वही एयर मार्शल रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की 3 स्ट्रिप मौजूद होती है, जिसमें लोगों मोस्ट स्ट्रिप की थिकनेस ऊपर वाली 2 स्ट्रिप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब आती है 4 स्टार रैंक्स, जो है जनरल इन इंडियन आर्मी, एडमिरल इन इंडियन नेवी एंड एयर चीफ मार्शल इन इंडियन एयरफोर्स। ये रैंक रिस्पेक्टिवली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ को दी जाती है। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो जनरल रैंक में क्रॉस बैटन एंड सेबर पर 1 स्टार और एक राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। एडमिरल की रैंक में 4 स्टार्स, क्रॉस बैटन एंड सेबर के साथ ही एक राष्ट्रीय चिन्ह भी मौजूद होता है।
वहीं एयर चीफ मार्शल रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की 4 स्ट्रिप मौजूद होती है, जिसमें लोअर मोस्ट स्ट्रिप की थिकनेस ऊपर वाली तीनों स्ट्रिप के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब अगर हम इंडियन डिफेंस फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स के रैंक स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस हायरार्की में फील्ड मार्शल, एडमिरल ऑफ द फ्लीट और मार्शल ऑफ द एयर फोर्स रैंक सबसे ऊपर आती है, जो रिस्पेक्टिव सर्विस की 5 स्टार रैंक है। और इस 5 स्टार रैंक पर प्रमोट होना किसी भी ऑफिसर के लिए गर्व की बात है। इंडियन आर्मी में अभी तक फील्ड मार्शल रैंक पर 2 ऑफिसर को प्रमोट किया गया है और उनका नाम है सैम मनेक्शा एंड कोंडिंडेरा मडप्पा करियप्पा। अब अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स की तो अर्जन सिंह मार्शल ऑफ द एयरफोर्स रैंक पर प्रमोट होने वाले पहले और इकलौते इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर थे। वही इंडियन नेवी में अभी तक कोई भी इंडियन नेवी ऑफिसर इस रैंक पर प्रमोट नहीं किया गया है। 5 स्टार रैंक होल्ड करने वाले सभी ऑफिसर को उनकी डेथ तक सर्विंग ऑफिसर ही कंसिडर किया जाता है और वो अपनी रैंक लाइफ टाइम के लिए होल्ड करते हैं। और लास्ट में मैं ये भी आपको बता दूं कि CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 4 स्टार जनरल और इक्विवेलेंट ऑफिसर होता है, ना कि 5 स्टार रैंक ऑफिसर। इसे ये तो हमने बात की कमीशन ऑफिसर के रैंक्स की, अब चलिए देखते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक्स को। तो जो JCO में सबसे पहली रैंक है नायब सूबेदार इन इंडियन आर्मी, चीफ PT ऑफिसर इन इंडियन नेवी एंड जूनियर वारंट ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो नायब सूबेदार रैंक में येलो एंड रेड कलर की एक स्ट्रिप के साथ एक स्टार मौजूद होता है। चीफ PT ऑफिसर रैंक में खिलती कमल की माला के साथ एक एंकर मौजूद होता है। वही JWO रैंक में गरुड़ पक्षी और राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। इसके बाद जो रैंक्स आती है वो है सूबेदार, मास्टर PT चीफ ऑफिसर क्लास 2 एंड वारंट ऑफिसर रैंक। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो सूबेदार रैंक में येलो एंड रेड कलर की एक स्ट्रिप के साथ 2 स्टार मौजूद होता है। मास्टर चीफ PT ऑफिसर क्लास 2 रैंक में एक गोल्डन स्ट्रिप के साथ खिलती कमल की माला में एक एंकर मौजूद होता है। वही WO रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की स्ट्रिप पर गरुड़ पक्षी और राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। अब बात करते हैं JCO को मिलने वाली हाईएस्ट रैंक की, जो है सूबेदार मेजर, मास्टर चीफ PT ऑफिसर क्लास 1 एंड मास्टर वारंट ऑफिसर। अगर इनके रैंक इंसिग्निया की बात करें तो सूबेदार मेजर रैंक में येलो एंड रेड कलर की एक स्ट्राइप के साथ एक राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। मास्टर चीफ PT ऑफिसर क्लास 1 रैंक में 2 गोल्डन स्ट्रिप के साथ खिलती कमल की माला में एक एंकर मौजूद होता है। वही MWO रैंक में ब्लैक एंड ब्लू कलर की एक मोटी स्ट्रिप पर गरुड़ पक्षी और राष्ट्रीय चिन्ह मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ JCOs को ऑनररी कमीशन या ऑनररी रैंक्स भी दी जाती है। दरअसल सर्विंग सूबेदार मेजर और इक्विवेलेंट या सूबेदार और इक्विवेलेंट रैंक JCOs को उनकी डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए ऑनररी कमीशन दिया जाता है। इन द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी कैप्टन इन इंडियन आर्मी, ऑनररी फ्लाइंग ऑफिसर एंड ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स और ऑनररी सब लेफ्टिनेंट एंड ऑनररी लेफ्टिनेंट इन इंडियन नेवी। ऑनररी ऑफिसर्स के लिए रिकमेंडेशंस सभी कमांडिंग ऑफिसर द्वारा डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स में सबमिट की जाती है, जिसके बाद सर्विस चीफ्स सबमिटेड एप्लीकेशंस में से JCS को नॉमिनेट करता है फॉर एन ऑनररी कमीशन एंड दीस रैंक्स आर अवार्डेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनररी कमीशन साल में 2 बार दिया जाता है, दैट इज ऑन द इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे। ऑनररी रैंक पर प्रमोट होने वाले सभी JCOs को मॉनेटरी और पेंशनरी बेनिफिट्स के साथ ही वो सभी बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक ऑफिसर को दिए जाते हैं। गवर्नमेंट फिलहाल इन ऑनररी रैंक्स को डिसकंटिन्यू करने का सोच रही है, पर अभी तक कोई नोटिफिकेशन MOD द्वारा इशू नहीं किया गया है। अब बात करते हैं अदर रैंक पर्सनल्स की। नॉन कमीशन रैंक्स में सबसे पहले जो रैंक आती है वो है सिपाही, सीमन 2 और ए क्राफ्ट्समैन। जिसके बाद जो रैंक्स आती है वो है लेंस नायक, सीमैन 1 एंड लीडिंग ए क्राफ्ट्समैन। जिसके बाद नायक, लीडिंग सीमैन और कॉर्पोरल रैंक आती है। और रिस्पेक्टिवली किसी भी नॉन कमीशन ऑफिसर को मिलने वाली हाईएस्ट रैंक होती है हवलदार, PT ऑफिसर एंड सार्जेंट। इन सभी रैंक्स के इंसिग्निया आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो दोस्तों यही थी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के रैंक्स और उनका कंपैरिजन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें इस वीडियो को और हमेशा की तरह इस वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।